मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेहनत के भरोसे अगर कामयाब होना है आपको, ध्यान रखना किस्मत आपका साथ नहीं देती, लेकिन किस्मत एक खाली खाली किताब है, आप जो मेहनत करोगे वो उस किताब में लिखा जाएगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, आप अगर मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिल सकती है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे कि सफलता मिलेगी। भाई ये एक दिस इज़ अ बिटर ट्रुथ बट एज वेल एज इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। सारी चीज़ें किस्मत से नहीं मिलती, कुछ चीज़ों के लिए काबिल बनना पड़ता है, और अगर आप काबिल बनना चाहते हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। घर बैठ के सिर्फ सोच के कुछ नहीं मिलता, जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। अगर आप बहाने करोगे तो आप उस मुकाम तक अपनी लाइफ में नहीं पहुंच सकते। बहाने बनाने छोड़ो, मेहनत करो अपने इरादों को ध्यान में रख के, तो डेफिनेटली यू विल अचीव दैट पर्टिकुलर सक्सेस व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपको क्या लगता है कि लाइफ सबके लिए एक जैसी है? नहीं, जीवन सबके लिए समान नहीं है। जो कुछ भी आपके पास है उसका सम्मान करें। आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम में हैं तो थोड़ा सा अपने निचले लेवल पर जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत ठीक लेवल पे हैं। क्योंकि आपको यही लगता है हमेशा, हर एक सिंगल ह्यूमन बीइंग को यही लगता है कि वो अपनी लाइफ में सबसे बुरी स्थिति में है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि आपसे नीचे भी लोग हैं जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं और अपनी लाइफ में खुश हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, किसी से कंपैरिजन नहीं करना और अपनी लाइफ को सुखमय बनाइए। ये आपके हाथ में है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होती रहेंगी। इस ज़िंदगी के अंदर जब तक तुम्हारे अंदर ये डर बना रहेगा कि मेरे साथ ये गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है, तब तक आप हमेशा अपनी लाइफ में डरते रहेंगे, खुल के कुछ कर नहीं पाएंगे और सफलता आपको नहीं मिल पाएगी। जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जिस चीज़ का डर होता है, सबसे पहले उसको ख़त्म कीजिए। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना है और आपको डाउट है कि आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, तो अगर आपने उस चीज़ को इग्नोर किया ऑन द वे, अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई तो फिर वो ठीक नहीं होगी। इसीलिए आपको अगर डाउट है कि ये परिस्थिति गलत होने वाली है, तो पहले उसके ऊपर आप फोकस कर लीजिए, उसको सुधार लीजिए, ताकि आपका आने वाला सफ़र अच्छा बीते। यही हाल ज़िंदगी का भी है। जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं, पहले उनसे लड़ो, उसके बाद जो विपरीत परिस्थिति चली जाएगी तो उसके बाद क्या आएगा? अच्छी परिस्थितियाँ आएंगी, अच्छा समय आएगा, जिसको आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर सकते हैं। बदलते तो सिर्फ इंसान हैं, वक्त तो बस एक बहाना है। हमेशा लाइफ में इस चीज़ को याद रखना। सब लोग कहते हैं कि ये समय आ गया, वो समय आ गया, कोई समय नहीं आया। समय आपके हिसाब से चल सकता है अगर आप चलाना चाहें। सबसे पहले समय की इज्जत करना सीखिए। जिंदगी में दो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जीवन और मरण। उसके बीच में क्या करना है उस समय में, ये आप डिसाइड करेंगे, और जो आप करेंगे उसके हिसाब से आपका भाग्य तय होगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। इसलिए समय नहीं बदलता, इंसान अपनी हरकतों से उसको बदलने पे मजबूर करता है। अगर आप सही चीज़ें नहीं करोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके साथ ठीक होगा? नहीं। आपको सही वक्त लाने के लिए हमेशा पंक्चुअल रहने की ज़रूरत है और सही चीज़ें करने की ज़रूरत है, जब आप अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाओगे, अन्यथा नहीं। लाइफ में अगर आपने सचमुच में मेहनत की, विपरीत परिस्थितियों से लड़े और अपने लिए एक जगह बनाई, बहुत अच्छा रास्ता तय किया, तो डेफिनेटली आप एक दिन अपने आप से ये कह पाओगे कि मुश्किल था पर मैंने कर दिया, मैंने कर दिखाया। ये कह सकोगे अपने आप से, और दुनिया सामने से तुमको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करेगी। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो अप्रिशिएट करने वाले भी 3600 आके खड़े हो जाते हैं सामने। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपनी लाइफ में हमेशा जो आपकी लाइफ में कुछ फैसले होते हैं ज़िंदगी के अंदर, जो बहुत कठिन होते हैं, और यही कठिन फैसले एक दिन ज़िंदगी बदल देते हैं। ये याद रखना कि कठिन फैसले, विपरीत परिस्थितियाँ, जितनी भी दिक्कतें आएँ, अगर ये सब हो रहा है ना आपकी लाइफ में, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो और ठीक से निभा रहे हो, तो डेफ़िनेटली एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। डेफ़िनेटली 100% फैक्ट है। लोग बात करते हैं कि एजुकेटेड होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा शिक्षित हर व्यक्ति को होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में आपको शिक्षित होने के साथ साथ सभ्य होना भी ज़रूरी है। और एक कहते हैं ना कि आपके विचार अच्छे होने चाहिए, सिर्फ शिक्षित होने से सफलता नहीं मिलती, उसके साथ साथ आपका व्यवहार, आपकी तासीर, आपके बोलने का तरीका, दूसरों के प्रति आपकी इज्जत, वो कैसी है ये भी पता होना चाहिए, और जो कि अच्छा होना चाहिए, दिखना भी चाहिए। शिक्षा अगर बर्ताव में नहीं दिखी ना, तो डिग्री जो है वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है। ये ज़िंदगी जो है ना, उतनी भारी नहीं है, ज़िंदगी हल्की फुल्की है। लेकिन जो बोझ आपने ऊपर, ख्वाहिशों को आपने ले रखा है ना, वो गलत है। ठीक है, हर इंसान की ख्वाहिशें होती हैं, ख्वाहिशें रखो, लेकिन उसका प्रेशर मत बनाओ कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं ले पाया, मैं फ़ोन नहीं ले पाया, मैं बाइक नहीं ले पाया। भाई समय आने पर सब मिलेगा। मेहनत करो सर, मेहनत करोगे
बिना कुछ सोचे आप बस मेहनत करते जाओ, आपकी जो राह है ना वो आसान होती चली जाएगी, ये गारंटेड चीज़ है। ये जान लो संगत का असर तो आएगा ही आएगा, इसलिए जो माहौल में आप रह रहे हैं ना, जो आपके दोस्त हैं वो सोच समझ कर चलो। अगर तुम अपने इर्द गिर्द जो आपके साथ जो लोग रहते हैं, दोस्त रहते हैं, अगर वो अच्छे नहीं रखोगे तो आप भी अच्छे नहीं बन सकते, क्योंकि माहौल का बहुत असर पड़ता है। तो अपने साथ हमेशा अच्छे लोग रखो जिनकी सोच अच्छी हो, तभी आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी और आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल डेफिनेटली होगे। आपको सक्सेसफुल होने से कोई इस दुनिया में नहीं रोक सकता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो सुनने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि भविष्य में डलने वाली हर वीडियो, हर शॉर्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।